हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग नेटवर्क थ्योरम पढ़ रहे थे। नेटवर्क थ्योरम में हमने मैक्सिमम ऑलमोस्ट सारे थ्योरम खत्म हो गई हैं। अब देखिए, हमने एक जो थ्वेनिस थ्योरम बताया था, थ्वेनिस थ्योरम में एसी सोर्स हमने इंक्लूड नहीं किया था, तो इस वाले प्रॉब्लम में एसी सोर्स इंक्लूड है और यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट सोर्स भी है, तो दोनों को इंक्लूड करके हम थ्वेनिस इक्विवेलेंट कैसे बनाते हैं, आइए उसको सीखते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जब किसी इंडक्टर की वैल्यू दिया रहे और यहाँ भी कैपेसिटर की वैल्यू दिया रहे, अगर ये जे नोटेशन में इनकी वैल्यू नहीं है तो ये सोर्स की वैल्यू दिया रहेगा, सोर्स या साइन में होगा या कॉस में होगा, तो वहाँ से उसकी फ्रिक्वेंसी रेडियन ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की वैल्यू के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू आप चेंज कर लीजिएगा सर्किट में। अगर कई सोर्स हैं तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर सोर्स की अलग अलग अगर फ्रीक्वेंसी है तो इंडक्टर कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। अगर वैल्यू चेंज होगी तो इसलिए हमें हर बार अलग सर्किट बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि इस प्रॉब्लम में ऑलरेडी ये सब कन्वर्ट करके ओम में दिया है, जे 3 ओम दिया है, इसको माइनस जे 4 ओम दिया है, तो अब जब भी ये कन्वर्ट करके दे सर्किट में, तब कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है, कुछ चेंज नहीं करना है आपको। सिंपल ये इंडक्टर और रेजिस्टेंस को एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना है, जैसा कि आप लोग केवीएल में यूज करते थे, इसी तरह 2 है और माइनस जे 4 इनको भी एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना है, जैसा कि आप लोग पहले यूज कर रहे थे। अब आइए, इसमें दो सोर्स है, एक देखिए एसी सोर्स है 15 एंगल 0 जो करंट सोर्स है, और यहाँ पे एक और करंट सोर्स है, लेकिन ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है 0.5 I0, और ये 2 ओम रेजिस्टेंस और माइनस जे 4 ओम रेजिस्टेंस में जो I0 फ्लो हो रही है इस पे डिपेंडेंट है। हमें ए बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, ए बी के अक्रॉस थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाना है, जैसा कि मैं आप लोगों को जो सॉल्व कर दूंगा, इक्वेशन बना दूंगा, आप लोग आंसर सीधे कैलसी से खुद कैलकुलेट करिएगा, क्योंकि आंसर कैलकुलेट करने में प्रोसेस ज्यादा लेंदी हो जाता है, वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। क्लियर? तो थोड़ा सा आप लोग इस पे केयर करिए, थोड़ा सा इतना आप लोग करिए। ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जैसा कि थेवेनिन वोल्टेज मुझे कैलकुलेट करना है, स्टेप 1 में इस वोल्टेज को मैं यहाँ पे देखो प्लस लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया VTH, जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ VTH कैलकुलेट करने चल रहा हूँ। ये देखिए, ये है VTH कैलकुलेट करने, VTH कैलकुलेट करने के लिए तो मैंने बताया कि सबसे कई मेथड बता चुका हूँ, नोड एनालिसिस और डायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले देखो नियरेस्ट क्लोज पाथ, ये नियरेस्ट क्लोज पाथ, इस नियरेस्ट क्लोज पाथ में KVL लगाने की कोशिश करो, लेकिन यहाँ पे करंट सोर्स है तो करंट सोर्स में क्लोज पाथ में KVL नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो जस्ट हम उसके और आगे बढ़े तो हमें देखो डॉट डॉट करके ये दिख रहा है जो हम बना रहे हैं, ये देखिए एक एक क्लोज लूप दिख रहा है हमें, एक क्लोज लूप दिख रहा है, इसमें हम KVL लगाएंगे, इसमें KVL लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, लो से हाई जा रहे हैं, क्या लिखेंगे VTH करंट। अब देखिए इसमें करंट कैलकुलेट करना है, ये ओपन सर्किट है और इधर से करंट आ रहा है 0.5, तो 0.5 करंट इसमें भी आएगी क्योंकि ये ओपन है, तो ये करंट कहाँ से आ रही थी, इसी रेजिस्टेंस से आ रही होगी, तो करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो लिखेंगे प्लस, क्योंकि आप इधर से आ रहे हैं, करंट ऐसे आ रही है तो अपोजिट जा रहे हैं तो लिखेंगे प्लस, और रेजिस्टेंस कितना है 4 j 3 मल्टीप्लाई करंट की वैल्यू कितनी है 0.5 I0। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर देखिए करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे माइनस, और ये लिखेंगे 2 j 4 और ब्रैकेट क्लोज I0 = 0, क्लोज पाथ कंप्लीट हो गया। ये देखिए लो से हाई गया VTH, इधर देखिए करंट, करंट ऐसे आ रही क्योंकि ये ओपन है, करंट यही वाली करंट आएगी, तो करंट यहाँ से आ रही है, तो इसलिए हम करंट के अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस लिख दिया,
और ये रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट, फिर इसके बाद करंट के डायरेक्शन में जाना चाहिए, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई करंट, ठीक है। रेजिस्टेंस कहिए या इम्पीडेंस कहिए, क्योंकि आप एसी सर्किट पढ़ रहे हैं तो इसको इम्पीडेंस बोला जाता है, क्लियर। तो अब हमें बीटीएच कैलकुलेट करना है, तो अगले स्टेप में हम बीटीएच की वैल्यू ले लीजिए। ये देखिए इसमें भी आई नॉट है, इसमें भी आई नॉट, आई नॉट का कॉमन ले लीजिए, ये आ गया आई नॉट ब्रैकेट में, ये हो गया आई नॉट ब्रैकेट में, आप देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 - j4 एक ब्रैकेट में, माइनस का ये हो जाएगा 4 - j3 डिवाइड बाई 2, 0.5 / 2 लिख दिया। ये देखिए ये आ गया VTH, तो VTH में एक अननोन आ गया आई नॉट, आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर दें तो हमें VTH मिल जाएगा। आई नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जस्ट और नेबर्स क्लोज पाथ में चलेंगे, तो देखिए ये नेबर्स क्लोज पाथ में दिख रहा है, तो यहाँ पे KVL तो लगा नहीं सकते, जब KVL नहीं लग रहा तो क्या लगेगा, KCL लगेगा। ये आप अपने मन में बना लो कि KVL नहीं लग रहा तो KCL लगेगा, KCL नहीं लग रहा है तो आपका KVL लगेगा। अगर इन दोनों में से कोई नहीं लग रहा है तो आपका आपको नोड एनालिसिस लगा दीजिए, क्लियर। जहां भी ऐसी दिक्कतें आए ये इसी तरह से आपको सोचना है, इसी तरह से आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो आई नॉट, ये देखिए ये नोड दिख रहा है, इस नोड पे इधर से करंट आ रही है, कितनी करंट आ रही है, इनकमिंग करंट। यहाँ पे KCL अप्लाई कर दिया हमने, कितना हो गया 15 ∠0° इक्वल टू, इधर करंट जा रही है आई नॉट, और ये देखिए इधर करंट जा रही है 0.5 I0। तो यहाँ से I0 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो आ जाएगा 15 ∠0 डिवाइड बाई 1.5 ∠0। अब इसको देखो कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 10 ∠0°। तो ये I0 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, I0 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो आपको VTH मिल जाएगा, I0 की वैल्यू कर दीजिए तो इसमें VTH मिल जाएगा 10 ∠0° मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 2 - j4 और ये हो जाएगा -4 - j3 और डिवाइड बाय 2। तो यहां से ये देखिए कंप्लीट हो गया, क्लियर, ये कंप्लीट हो गया, VTH हमें मिल गया। VTH मिलने के बाद हमारा अगला टारगेट होगा RTH, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। इसको देखिए ये रेक्टेंगल में है, और ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करके एक जो आएगा उसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया है, और दो पोलर फॉर्म में R1 ∠θ and R2 ∠θ दोनों को R1 R2 मल्टीप्लाई करके θ1 and θ2 कर दीजिएगा, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम स्टेप बढ़ते हैं RTH कैलकुलेट करने के लिए, नेक्स्ट स्टेप हमारा है RTH कैलकुलेट करने के लिए। तो RTH कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम फिर से सर्किट बनाएंगे, आप लोगों को जैसा कि पता है RTH के लिए आल इंडिपेंडेंट सोर्स आर शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट, आल इंडिपेंडेंट सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट एंड ओपन सर्किट। तो इंडिपेंडेंट सोर्स कौन सा है, ये करंट सोर्स है, ठीक है, तो इसको ओपन सर्किट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ओपन सर्किट कर दीजिए। ये देखिए इसको ओपन सर्किट हमने कर दिया, ठीक है। और देखिए अब जिन दो टर्मिनल के क्रॉस, जैसा कि ये मेथड हम ऑलरेडी बता चुके हैं, जिन दो टर्मिनल के क्रॉस आपको RTH कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स अपनाइए और प्लस माइनस वी और कनेक्ट कर दीजिए, इसमें करंट फ्लो करवा लीजिए अपने मन से आई, और हमें कैलकुलेट करना है ZTR मतलब एडमिटांस, थेवेनियंस एडमिटांस, ये किसके इक्वल होगा, वी बाई आई का रेशियो। अगर पी बाई आई का रेशियो हम किसी तरह से कैलकुलेट कर ले तो हमें ये कैलकुलेट हो जाएगा, क्लियर। अब ये कैलकुलेट करने के लिए हमने देखिए इसमें कई मेथड है, आप KVL से कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट नोड एनालिसिस से बता रहा हूँ। ये देखिए ये ग्राउंड कर दिया मैंने, ये ग्राउंड कर दिया तो ये देखो ये नोड दिख रहा है, ये नोड नहीं क्योंकि ये ब्रांच ओपन है, तो ये नोड नहीं तो ये नोड दिख रहा है, इस नोड का वोल्टेज कितना हो गया, V हो गया ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अरे देखिए ये 0 वोल्ट है, लोअर से आ जा रहा है तो बी, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया बी। और यहाँ पे ये देखिए इस नोड पे आपने नोड एनालिसिस लगा दीजिए, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करिए, डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे बी ब्रैकेट पे, ये देखिए सेल्फ एडमिटांस, ये रेजिस्टेंस है, ये देखिए तो ये टोटल 1/4 + 2 कितना हो जाएगा 6, J3 + -J4 तो -J, ये आ गया V टोटल,
और म्यूचुअल और कोई है ही नहीं, करंट इंट्री, यहाँ करंट कौन सी इंट्री कर रही है, करंट इनका रिजर्व कोई सोर्स नहीं है, तो कोई करंट नहीं इंटर कर रही है, एक करंट बाहर की तरफ जा रही है -0.I0 और एक करंट इधर से इंटर कर रही है, ये क्या है आई। अब हमें मेन टारगेट हमारा बी बाई आई का रेशियो निकालना, तो हमें एक अननोन मिल गया यहाँ पे I0 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। I0 को रिमूव करने के लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं, I0 इसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं I0 इक्वल टू हम लिख सकते हैं दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, ये बी माइनस जीरो डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 6 - j। अब इसमें पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा V एंगल, ये आ जाएगा 1/6 - j, ये इक्वल टू, ये 0.5 है तो इसको 1/2 लिख लीजिए, I0 की वैल्यू लिख लीजिए V और 6 - j और ये आ गया +I। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों में V कॉमन ले लीजिए, V कॉमन ले लिया मैंने, और देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/2, ठीक है, ये 3/2 और ये आ जाएगा 1/6 - j, ये आ गया और इक्वल टू आ गया आई। तो हमें बी बाई आई का रेशियो निकालना है, तो बी बाई आई ही हमारा थेवेनियन इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/3 और ये आ जाएगा 6 - j। इसको आप तुरंत कैलकुलेट कर लीजिएगा पोलर फॉर्म में, आपको आपका ZDF मिल गया। जब ZDF मिल जाएगा तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे, यहाँ से VTH और सीरीज में ZDF, ये इक्विवेलेंट इसका बन गया A एंड B टर्मिनल का। तो इस प्रोसेस को फॉलो करना है, चाहे AC का क्वेश्चन हो कोई नहीं, बहुत सिंपल तरीके से आपको सॉल्व करना है, जैसा कि मैं ये प्रॉब्लम बताया आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।